अपना परिचय बताइए। मेरा नाम खुर्शीद खान है, मैं बंजारपुर निवासी हूँ रहने वाला, और ये मैं MIM का विधानसभा अध्यक्ष केराकर तहसील से हूँ। और जी, और सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसान जो है दिन प्रतिदिन आंदोलन कर रहे हैं जी, और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये सरकार जो तीनों कानून लेकर आई है उसको वापस कर दें, इस पर क्या कहेंगे आप? किसानों को उनका हक चाहिए, उनको देना चाहिए जो हक है उनका, उनको मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना सर जी, किसान का जो आंदोलन हो रहा है, सरकार को खुद अपने आप से उनका सहारा ना करना चाहिए कि भाई हमारे किसान, हम लोग जैसे पहला नारा हमारा ये था किसान जय जवान जय किसान। किसान को तो हटा दिए बगल, जवान लड़ रहे हैं, जवान मर रहे हैं। अब किसान और वो पुराना आंदोलन तो खत्म ही हो गया, पुराना जो कहावत है वो तो जय जवान जय किसान, तो दोनों मर गए। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप ये चाहते हैं कि सरकार ये बिल वापस? हाँ, बिल वापस, तीनों के तीनों बिल जो बिल पास कर रहे हैं वो लोग सब वापस करें जी। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये रहेगा कि आप मजलिस को ही क्यों चुने? क्योंकि मुझे उसमें लगा कि अवैसी साहब जो बलिस्टर साहब है वो हक की लड़ाई लड़ते हैं, सांसद में बोलते हैं बाकायदा, उसमें जैसे रोड पे आके गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों के लिए मदद करते हैं। हैदराबाद में देखिए आपकी हॉस्पिटल, एक नंबर हॉस्पिटल, मुफ्त में इलाज हो रहा है। वो सांसद जी, अपना हमारे जो सांसद जी हैं ओवैसी साहब, उनको देखना चाहिए, उनको देख के सबको सीखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि भाई एक सांसद होके वो अपना हैदराबाद फ्री में इलाज, हमारे बाकी के सांसद तो एकदम बेकार है। सर ये बताइए, MIM को कहा जाता है कि ये विवादित बयानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जाने जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? झूठ है, ये झूठ है। उनका क्या है कि जैसे कांग्रेस का कहना, मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस कह रही, इन कह रहे हैं कांग्रेस का क्या है, उसका हाथ पैर कट रहा है, कुछ ना तो कुछ बोलना ही उनको जी। सर किराकत विधानसभा की जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका क्या वर्चस्व है? वो हाई लेवल का काम, हाई लेवल जो हमको ऑर्डर देगी विधानसभा में, जो रहेंगे बोले कैंडिडेट देंगे तो हम काम करेंगे ऐसा कार्यकर्ता। तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।